ओके, हॉरर फिल्म्स आर नेवर द यू नो ए ग्रेट फिल्म्स वेयर फैमिलीज वुड गो एंड वॉच दोस। ओके, सो देयर वाज सर्टेन स्लीज एसोसिएटेड विद इट, दैट यू नो स्किम्पीली क्लैड फीमेल्स गेटिंग स्कैर्ड एंड यू नो देयर आर सम यू नो एडल्ट एलिमेंट्स इन देयर एंड ऑफ कोर्स देयर आर स्कैर्स एंड थिंग्स लाइक दैट। तो वही है कि ऑडियंस की इंटेलेक्ट को कभी आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ऑडियंस हमेशा रेडी होती है, आपको आपका सोचना पड़ता है आप रेडी है कि नहीं। वी स्टार्टेड फ्रॉम यू नो इट वॉज कॉल्ड 72 आवर्स बिफोर दैट, बिकॉज इट वॉज बेसिकली अ फॉरेंसिक थ्रिलर एट दैट टाइम, कि जिसमें बिकॉज अरशद वारसी और वरुण सोबती वाले जो दोनों कैरेक्टर्स हैं दोनों फॉरेंसिक जी साइंटिस्ट। ओके, और फिर राइट कॉन्सेप्ट ये था कि एक को किडनैप कर लिया जाता है और उससे मर्डर्स प्लान कराए जाते हैं और दूसरा जेल में है, वो उस उन मर्डर्स को डिकोड कर रहा है बिकॉज जो बंदा जिसको पकड़ लिया गया है वो उसका प्रोटेजे। ओके, तो राइट इट वाज सपोज टू बी ए फॉरेंसिक ड्रामा टिल देन। जब राइटर्स ब्लॉक में आप लोग क्या क्या चीजें काउंट करते हो और हाउ डू यू हैंडल इट बेसिकली, क्योंकि देर आर सो मेनी एस्पायरिंग राइटर्स I'll tell you, writer's block is a myth. Okay, spread by writers to get some more time. Okay, actually, अगर लिखने में आपको 2 महीना लगता है और आपको 1 महीने का ही टाइम मिला तो आप वो ऐसा मिथ क्रिएट करते हैं। ये क्रिएटिव प्रोसेस है। और बहुत आपने कभी कोई क्लर्क को देखा है जिसको यू नो क्लर्किंग का ब्लॉक होता है? हेलो सर, कैसे हैं आप? बस फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड टू सर। पहले तो मेनी कंग्रेचुलेशंस एंड वेलकम ऑन एनिग्मेटिक होराइजन। ऑल आर ऑडियंसेस एंड ऑल आर टीम मेंबर्स आर वेरी एक्साइटेड टू वॉच दिस इंटरव्यू एंड आई होप योर हेल्थ इज फाइन नाउ। यू हैड वायरल रिसेंटली। या नाउ या एवरीबॉडी हैड वायरल, आई मीन दिस सीजन इज सच। But you're doing well, everybody in your family? Yeah, everyone is. Okay. Sir, many congratulations on Munjia. बहुत प्यार मिला है उस मूवी को। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को, स्टोरी को। So, how did you get involved? What was the initial idea? Would you like to share something? Actually, you know, it was written by original script was written by Yogesh Chandekar. He is of course a well-known writer. He has been collaborating with Sriram Raghavan. And then you know I sort of came on board to you know work on the script later on. So then Aditya Sarpotdar, who is the director of the film, he came on board and we went to Konkan and he introduced me to all the Konkan legends and you know what is the relevance of Munjia there. We went to a lot of places around you know whole Konkan Ghat, Guhagar and you know all those places. There is a place called Suvarnadurg and you know it's a castle in the middle of the sea. So we have sort of replicated Jetu Kwadi you know with Suvarnadurg. So yeah, I mean the experience has been really good and we were not hoping for this kind of a you know reception or success. I mean we thought that it would do well and people would love it and appreciate it, but we never thought that it would like you know do like 100 crores and be this such a humongous hit. But it did, and I'm really happy to see the success. Sir, in India, very few horror stories receive this kind of response. Like before this, it was 3. And yes, 3 did bring a change in the industry, a change in the viewpoint of the audiences also. Because 3 ke aane ke baad, logon ko
जो हॉरर का कॉन्सेप्ट था उनके लिए वो थोड़ा चेंज हुआ, थोड़ा उसमें कॉमेडी मिक्स थी, तो ऑडियंसेस हैव नाउ स्टार्टेड लुकिंग एक बेंचमार्क जो स्त्री ने क्रिएट किया है उसी बेंचमार्क की जैसा तो उनका पहले था एक्चुअली भूल भुलैया वाज आल्सो अ हॉरर कॉमेडी अ लॉट ऑफ फिल्म बिफोर दैट आल्सो केम इन द जॉनर लाइक यू नो इवन इन द ब्लैक एंड व्हाइट एरा देयर वर यू नो फिल्म्स लाइक भागो भूत आया भागम भाग फिल्म्स लाइक दैट सो या आई मीन इट हैज ऑलवेज बीन देयर बट एवरी नाउ एंड देन अ फिल्म कम्स एंड लाइक रिजुविनेट द होल जॉनर okay right so yeah I mean somewhere Bhulbulaiya did it then Spree did it then no then nowadays so lot of people are doing it but it's a it's yes. a tricky genre to crack actually and yes. You know while writing it also we find it really tough to crack it because you also want to scare people at certain places and at the same time you also want to make them laugh okay it's a very tricky situation because you know it's a tight rope to walk in but yeah I mean if everyone is on the same page you can pull it off so if we count how many horror stories you have been a part of I have been a part of a lot of horror stories I started my career with a tv show called you know Ye Kali Kali Raate which was a horror show Okay, it was produced by Eagle Films and Rajiv Mehra. So, I wrote a lot of horror stories then for television. Then, you know, I started this journey with Madoc, where I wrote Bhediya and then Munja and then Stree 2. And, you know, there are other films in the pipeline that we are working on. So, yeah, I've been a big fan of horror genre. And of course, I've written comedies all my life. So I can sort of you know blending both right so but jaise aapne kaha ki movies to pehle bhi ban rahi thi horror comedy mein jaise aapne bhool bhulaiya ka example diya but bhool bhulaiya ke baad humne bahut time baad jaise stree dekhi and stree ke baad mein ek bar ruhi bhi aayi thi jisne utna business nahi kiya And then we are back with Munja and Stree 2 and people are very excited for Stree 2 especially क्योंकि पहली फिल्म ने इतना buzz create किया था तो people have this expectation कि Stree 2 में भी हमें भी कुछ देखने को मिलेगा yeah, yeah. What is how can I explain आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा जब आपने सेकंड स्टोरी क्रिएट करी मैं आपको बताता हूँ कि उसका उसका जो प्रॉब्लम जो है ना वो हमेशा जॉनरा के साथ रहा है बिकॉज हॉरर हैज ऑलवेज बीन सीन एज अ बी और सी ग्रेड टाइप ऑफ अ फिल्म ओके बिकॉज एवर सिंस द जेनेसिस ऑफ हॉरर फिल्म्स इन हॉलीवुड और इन वर्ल्ड सिनेमा और इवन इन यू नो आर फिल्म्स वेयर यू नो देयर वर राम से ब्रदर हॉरर फिल्म्स एंड यू नो दैट काइंड ऑफ होल जॉनरा बोलते हैं सो दे वर लुक्ड एट as sort of B or C grade films okay horror films were never the you know A grade films where families would go and watch those films. Okay so there was a certain sleaze associated with it that you know skimpily clad females getting scared and you know there are some you know adult elements in there and of course there are scares and things like that So that genre has been tabooed like that world over. Then slowly, you know, people started experimenting with the genre, even in West, even in our, you know, industries. And they invented something new out of horror. So if you see, you know, films like Get Out and Nope, Jordan Peele's films, so they are very, very, you know, political in their nature. There are horror films, but they are very political in their nature. So they started associating that with politics and, you know, a social aspect with the horror films. Then there are films like Zombieland and all, where they started associating comedies with horrors. So I mean, as cinema evolves, different genres evolve and,
you know, then people start experimenting with it. So say for biopics, we are now in a very nascent era where all our biopics are like, you know, hagiographical, where, you know, we just praise the people that we are making biopics on. Okay, there are no dark elements of their lives ever mentioned in our biopics. But in right, West, if yes. you see, the biopics are quite grey, okay, where they talk about all the aspects of the person's lives, where he went wrong, where he went right. If you see like biopics like Aviator and all. So, yeah, I mean, this is how, you know, cinema evolves and people keep on experimenting with genres and they try to find something new out of it. Like I also tried to do that with Bhediya, because werewolf genre is a very, you know, famous genre across the world. Yes. Okay, so I tried to, you know, attach a eco-fable, an eco-fable with it, that, you know, there is a very strong aspect of nature and environment attached with the film. And of course, there is comedy. So, of course, we all try to, you know, innovate with genres and try to create something new all the time. हम सिनेमा और डायरेक्टर्स पीपल हु आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री उनके इवॉल्व होने की बात कर रहे हैं हाउ डू यू थिंक इट वर्क्स कि ऑडियंसेस के इवॉल्व होने से हम हमारी इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है या हम जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं उससे ऑडियंसेस के पर्सपेक्टिव इवॉल्व हो रहे हैं हाउ डू यू थिंक इट वर्क्स हमेशा से इवॉल्व होती है ओके ऑडियंस हमेशा से इवॉल्व होती है जो लोग सोचते हैं ना कि ऑडियंस को चीप चीजें चाहिए या डम चीजें चाहिए या स्टूपिड चीजें चाहिए और यू नो माइंडलेस एंटरटेनमेंट चाहिए ठीक है वो लोग गलत सोचते हैं एक्चुअली क्योंकि ऑडियंस में हर मतलब उनकी जो जो थिंकिंग कैपेसिटी है उनकी जो वेवलेंथ है वो अलग लेवल पे वो आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप उसको जज नहीं कर सकते एज अ क्रिएटिव पर्सन ठीक है तो आप देखें तो लापता लेडीज भी अपने यहाँ अच्छा कर रही है अपने यहाँ 12 फेल भी अच्छा कर रहे हैं जो कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल और अच्छी फिल्म है ठीक है जो कि बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लिट्स एंड ग्लैमर और यू नो एक्शन और फॉरेन लोकेशंस और बड़े स्टार्स और वो सब कुछ नहीं है उन फिल्मों में फिर भी वो फिल्में जो ऐसी फिल्में हैं जिनमें ये सब चीजें हैं उनसे भी डबल बिजनेस कर रही है ठीक है तो वही है कि ऑडियंस की इंटेलेक्ट को कभी आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए ऑडियंस हमेशा रेडी होती है आपको आपका सोचना पड़ता है आप रेडी है कि नहीं वो क्रिएट करने सो ये कितना बड़ा चैलेंज होता है कि जब आप कोई कहानी लिख रहे हैं या कोई कहानी डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ये पर्दे पे दिखाना है तो डज इट एवर कम इन योर माइंड कि एज अ राइटर मुझे ये सोचना पड़ेगा कि ऑडियंस उसको कैसे लेगी Or do you write from your own creativity that this is how I want to portray it? तो मैंने वो लिख दिया है। नहीं नहीं सी आपको हमेशा आपके हिसाब से ही लिखना पड़ता है ओके आप ये नहीं सोच सकते कि ऑडियंस को क्या पसंद आएगा क्योंकि ऑडियंस को अगर आपने जो सोचा है वो अच्छी तरीके से होगा तो पसंद आएगा ठीक है तो आपको सिर्फ यही सोचना है कि मैं अपने हिसाब से कैसे उसको अच्छा कर सकता हूँ अगर वो अच्छा बनेगा देन पीपल विल ऑब्वियसली यू नो अप्रिशिएट इट और अच्छा नहीं बनेगा तो ऑडियंस विल नॉट अप्रिशिएट लेकिन ये उनको समझ में आएगा कि नहीं ये सोच गया आप नहीं कर सकते बिकॉज दैट वुड बी अंडर एस्टिमेटिंग देयर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी एंड व्हिच अ क्रिएटिव पर्सन शुड नेवर डू एंड इट कैन ऑल्सो क्रिएट अ ब्लॉकेज इन आवर ओन हेड्स ना समबडी हु इज राइटिंग ऑब्वियसली हाँ ऑब्वियसली मतलब वो उसमें क्या है कि नो एक सेंस ऑफ एरोगेंस है जिसमें आप अपने आप को एक हायर पेडेस्टल पे रखते हो कि मैं ज्यादा इंटेलेक्चुअल हूँ तो मैं सोचूंगा कि कम इंटेलेक्चुअल ऑडियंस है उसके लिए क्या बनाना चाहिए ठीक है वो आप अगर वो एरोगेंस से कोई चीज बनाते हो तो वो कभी वर्क नहीं करेगी ओके मैंने तो 10 साल तक तारक मेहता लिखा है ओके जो कि हर छोटा yes. बड़ा हर एज का आदमी देखता है ओके तो मैं कभी मुझे वो तकलीफ नहीं हुई है कि ये मुझे डम डाउन करना पड़ेगा इंटेलेक्चुअल बनाना पड़ेगा मुझे हमेशा से पता रहा है कि अगर आप चीज एंटरटेनिंग तरीके से कोई भी चीज बनाएंगे अच्छी बनेगी तो ऑडियंस उसको अप्रिशिएट करेगी ट्रू
सर, आजकल जो हॉरर मूवीज आती हैं, और पहले जो आती थी, पहले वीएफएक्स उतना इन्वॉल्व नहीं था जितना कि आज है. टुडे यू कैन ट्रांसफॉर्म एंड इवन प्रोस्थेटिक्स फॉर दैट मैटर. तो प्रोस्थेटिक्स के साथ और वीएफएक्स के साथ जितना हम आज खेल सकते हैं उतना पहले नहीं खेल सकते थे. हाउ मच डज अ रीडर्स इन्वॉल्वमेंट कम इन टू द पार्ट जहां पे एक पर्टिकुलर इमेज आपको दिखानी है, जैसे मुंजिया की जो इमेज दिखाई गई, जैसे वो फ्लोट करता है, वो जब हम देखते हैं, क्या ये आपकी राइटिंग में इन्वॉल्व होता है कि ऐसा कैरेक्टर स्केच होना चाहिए या ऐसा डिपिक्शन होना चाहिए उस कैरेक्टर का या घोस्ट का? हमने भूल भुलैया 2 में भी जो वीएफएक्स देखे उसमें बहुत एक्सट्रीम विजुअलाइजेशंस थे. तो जब ये सारे पार्ट्स आते हैं जहां पे वीएफएक्स इन्वॉल्व हो रहा है या डायरेक्टोरियल इन्वॉल्व हो रहा है, प्रोस्थेटिक्स आ रहे हैं, क्या एक राइटर का कॉन्सेप्ट उसमें ब्लेंड होता है या वो एक डायरेक्टर का कॉल होता है कि ऐसा दिखाया जाएगा? नहीं, ऑफ कोर्स राइटर का इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें, क्योंकि तुम्हें पता चलता है कि तुम क्या क्या कर सकते हो उसके साथ. राइट, ओके. सो दिस इज अ पर्टिकुलर प्रोसेस कि आपने एक स्टोरी लिखी, उसके बाद यू सी कि हाउ इज इट गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड एंड देन यू मेक द करेक्शंस एंड ऑल द थिंग्स दैट आर नीडेड टू बी देयर फॉर ब्लेंड. ओके, क्योंकि उसमें दूसरे भी चैलेंजेस होते हैं ना. कि अगर आप किसी बच्चे को वो मुंजा बनाते वीएफएक्स करके, अगर आपको अभी 3 साल बाद, जैसे अभी 6 साल बाद फ्री 2 हमने बनाई है, ठीक है, तो बच्चा 6 साल में, अभी आज 11 साल का है तो 6 साल बाद वो 18 साल का होगा. ओके, देन यू हैव टू फाइंड अ न्यू बॉय हु इज ऑफ सेम शेप एंड साइज. वो मैच होगा नहीं होगा आपको पता नहीं, तो वो भी चैलेंजेस होते हैं अगर प्रोस्थेटिक्स करते हैं तो. पर वीएफएक्स में अगर एक बार आपने एसेट बना लिया तो देन यू कैन यूज इट फॉरएवर, तो वो भी बेनिफिट है. सो टेक्निकल एस्पेक्ट में हमें वहां पे फेवरिंग हो जाती है. ओके सर, अदर देन कंप्लीट हॉरर जॉनरा, आपने असुर भी लिखा है. सो I cannot say कि असुर completely horror है, but there is a dark side for sure. And thriller. असुर is a thriller. हाँ, it's a mythological thriller. But there are so many mythological aspects जो उसमें use हुए हैं. बहुत सारे concepts ऐसे use हुए हैं जो technically thriller है, but देखने वाले के लिए वो horror वाला effect आ जाता है उसमें. How did you write Asur? What was the challenge? आप लोगों का involvement कैसा था? And what was the reason behind its success? मतलब आपके perspective से अगर आप बताना चाहें तो Asur के पीछे का success कैसे discuss करेंगे आप? Asur का जो core idea था वो मेरे friend Gaurav Shukla का था, who was the creator of the show. Okay, he is still the creator of the show. He has done season 2, season 3. Also we are doing. Yes. So, वो core idea उसका था और main जो contribution था, ठीक है, वो भी उसी का है उसमें. So, I mean, we started from, it was called 72 hours before that because it was basically a forensic thriller at that time. के जिसमें because अर्शद वारसी और वरुण सोबती वाले जो दोनों characters हैं, दोनों forensic scientists. ओके, और फिर कॉन्सेप्ट ये था कि एक को किडनैप कर लिया जाता है और उससे मर्डर्स प्लान कराए जाते हैं और दूसरा जेल में है, वो उस उन मर्डर्स को डिकोड कर रहा है बिकॉज जो बंदा जिसको पकड़ लिया गया है वो उसका प्रोटेजे. ओके, तो इट वाज सपोज्ड टू बी अ फॉरेंसिक ड्रामा टिल देन और उसका नाम था 72 आवर्स बिकॉज एक आदमी मर जाता है उसके बाद 72 आवर्स तक उसकी बॉडी में से आप फॉरेंसिक एविडेंसेस निकाल सकते हैं जिससे क्लू मिलता है कि इसको कैसे मारा गया हो. ओके, तो दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड 72 आवर्स. एंड वंस वी स्टार्टेड राइटिंग तो फिर एक लेवल पे हमको ये क्वेश्चन आया कि जो किलर है, जो जो ये सब करवा रहा है, उसका मोटिवेशन क्या है. ओके, सो वी हैड कपल ऑफ ऑप्शंस कि वो साइकोलॉजिस्ट है, उसकी ये एक थियरी है, उस थियरी में जो लोग बन नहीं बैठते उनको मार डालता है. Then we came to this thing ke, there is a mythological aspect associated that he thinks
He's an assault. So basically, it's a story of domestic violence. ओके चाइल्ड अब्यूज राइट ये उसको उसको उसने बाप ने जब छोटा था तब बहुत मारा था, उसको बोला था तू राक्षस है तू राक्षस है तू राक्षस, और उसने सोचा कि अगर मैं राक्षस हूं तो मैं कौन सा राक्षस हूँ। तो ही वेंट टू स्क्रिप्चर्स, और उसका जो जन्म हुआ था उस टाइम पे उसको पता चला कि ये तो इस टाइम पे तो कली पैदा हो सकता है, तो और कली जो है कली दानव है, और कली का ये युग है, कली कली युग जो है ये कली का युग है, तो अगर मैं कली हूं तो मेरा दुश्मन कौन है, तो कली का दुश्मन होता है कल्कि जो आके पूरा कलयुग को खत्म करेगा, तो ही वॉन्ट्स जी टू फाइंड कल्कि एंड ही वॉन्ट्स टू किल कल्कि। ओके सो दैट्स हाउ वी रीच्ड टू यू नो दैट एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी, और फिर वो पूरा अभी जो असुर है उस शेप में आया, तो उसमें भी काफी हमने सोचा था पहले पहले वो वृत्तासुर और इंद्र का सोचा था कि वो सोचता है कि मैं वृत्तासुर हूँ और मुझे इंद्र को मारना है, लेकिन वो फिर बहुत ही पॉपुलर रेफरेंस नहीं था, तो वो माइथोलॉजी बहुत डीप हो जाती थी, तो सबको शायद वो पता ना हो, तो फिर हम लोग कलि और कल्कि, बिकॉज इट इज यू नो थोड़ा पॉपुलर है, वो लोगों को पता है कल्कि क्या है, तो इसलिए फिर इसके ऊपर आए, एंड देन यू नो वी सॉर्ट ऑफ वीव द होल स्टोरी। तो या आई मीन दिस इज हाउ इट हैपेंड। सर जब असुर सक्सेसफुल हुआ, मतलब आपके आपको क्या लगता है क्या रीजन था कि लोगों को इतना पसंद आया एंड लोगों ने नहीं इतना क्योंकि अप्रिशिएट किया देखिए असुर को? अपनी अपनी ऑडियंस को ना हमेशा अपनी कहानियों की तलाश होती है, कि जो हमारी जो जो हम जिस संस्कृति में रहते हैं, हमारा जो कल्चर है उसमें से जो जी कहानियां आती है, जैसे मुंजा है तो वो हमारे कल्चर में से आती, ठीक है, मुंजा कोंकण में हर जगह पे हर बाड़ी में हमने देखा है कि ऑर्चर्ड में कोने में एक पेड़ है, उसके यहाँ उन लोगों ने धागे से मुंजा को बांधा हुआ है और उसकी पूजा करते, ठीक है, सो इट्स अ वेरी पॉपुलर कल्चरल फिनोमिनन। ओके जैसे भेड़िया है तो वो अरुणाचल प्रदेश का लेजेंड है, यहाँ पे यापुंग करके एक शेप शिफ्टर का लेजेंड है, ठीक है, तो उसके ऊपर से हमने वो कहानी बनाई है। फिर आ, आ, जो ओरिजिनल स्त्री फर्स्ट वन है वो इट इज बेस्ड ऑन अ लेजेंड कॉल्ड नालेबा, ओके विच इज वेरी पॉपुलर लेजेंड इन कर्नाटका, जो श्रीकला ना वो एक्चुअली एक कर्नाटका के गांव में होता था ऐसा, तो उस लेजेंड का नाम है नालेबा के कलाना ऐसा, तो वो ये सारी हमारे कल्चर में से जो कहानियां है वो निकल के आती है, तो असुर भी हमारे कल्चर में से ही आती है, क्योंकि ये जो कल्कि और कली की जो कहानी है वो बहुत ही इंटरवोवन है हमारी पूरी संस्कृति में, क्योंकि कृष्ण के अरे ये विष्णु के 10 अवतार, और हर अवतार की अपनी कहानी, और फिर फाइनल अवतार जब कल्कि आएगा, और जो हमारी जो पूरी एक माइथोलॉजी है कि 4 युग होते हैं, कि नो द्वापर युग त्रेता युग कलयुग, और फाइनली कलयुग के सत्युग बाद फिर से सतयुग आएगा। ओके तो आएगा ये साइकिल है 4 युगों का जो चलता रहता है, तो वो बहुत ही एक ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड नो माइथोलॉजी है, ओके जो कि अपने यहाँ हर आदमी ने उसको स्वीकार इससे किया रिलेटेड हुआ है, कुछ और उसको वो बड़ा होता है उसकी जी कहानियां पढ़ करेक्ट, तो अगर उसमें कोई मतलब आप सीधा एक नॉर्मल सीरियल किलर थ्रिलर दिखा दो लोगों को तो ठीक है मजा आएगा नहीं आएगा, पर वो उतना उसको उससे एसोसिएट नहीं करेंगे, पर अगर आप रिलेट नहीं कर इन कहानियों में उसको यू नो पीरो के लोगों के सामने लाएंगे तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है, तो वो मैंने हमेशा महसूस किया है कि अपने जो कल्चर में से जो कहानियां आती है वो लोगों तक ज्यादा पहुंचती है। अच्छा, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमारे असुर आई कैन रिलेट, क्योंकि असुर में हमने दानव या असुर की बात करी है, असुर का बेसिक मतलब ही वही होता है कि somebody who's a monster or a devil. But other than that, when we talk about स्त्री और when we talk about मुंजिया, इतना डिटेल में आई डोंट थिंक हमारी ऑडियंसेस का या हमें पता था कि ये एक्चुअल नहीं पर रेफरेंसेस हैं, वो इन जिस जगह का लेजेंड कॉन्सेप्ट होता है उनको पता होता है ना, जिस जगह का, क्योंकि अलग अलग जगह के का. लेजेंड,
ऐसे जी कोंकण में महाराष्ट्र में सबको पता है मुंजा क्या है। ओके, क्योंकि जब शादी होती है तब एक स्पेशल सेरेमनी होती है विच इज कॉल्ड सोड मुंजा। ओके, कि जो अच्छा चार खंड होते हैं हमारे उसके हिसाब से, कि ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। तो ये चार इंसान के जिंदगी के खंड है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट इज ब्रह्मचर्याश्रम, व्हेन यू आर सपोज टू बी अ ब्रह्मचारी एंड यू आर सपोज टू स्टडी, सो दैट्स योर स्टूडेंट फेज। ओके, तो राइट इसलिए मुंजा बेसिकली इट मींस चोटी जो होती है, जो जब उसको उसका सर मुंडवा के उसको चोटी बांध देते कि अभी जब तक ये चोटी नहीं छुड़ेगी तब तक तुझे पढ़ना है। तो फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ योर लाइफ यू जस्ट स्टडी। ओके, सो दैट वाज सपोज टू बी, और उसको आश्रम में भेज दिया जाता था और फिर वो वहां पे पढ़ाई करता था। और फिर जब उसकी शादी होती थी 25वें साल पे एंड यू वाज सपोज टू एंटर इन गृहस्थ आश्रम, तब वो मुंजा का जो जो चोटी थी उसको छोड़ दिया जाता था कि नाउ दैट फेज ऑफ योर लाइफ इज ओवर, नाउ यू विल एंटर इंटू डोमेस्टिक फेज ऑफ लाइफ। डोमेस्टिक डोमेस्टिक फेस हाँ, ऑफ योर तो इसलिए वो सेरेमनी स्पेशली होती है जिसको सोड मुंजा बोलते हैं, कि मुंजा को छोड़ा अच्छा जाता, ठीक है। हाँ, ओके तो ये तो मतलब शादी में ही होता है, हर हर महाराष्ट्र की शादी में ये सेरेमनी होती है। तो जहाँ की सेरेमनी है उन सबको पता होता है, जैसे पूरे नॉर्थ ईस्ट में यापून का लेजेंड सबको पता है कि जो शेप शिफ्टर हमने भेड़िया में यूज किया है, या जी पूरे कर्नाटक में नालेबा का जो वो है वो सबको पता है जो श्री में यूज हुआ है। तो वही है कि ये लेजेंड जहाँ के होते हैं उनको तो पता होता है। फिर अगर मतलब पीआर में जब हमारे इंटरव्यूज होते हैं तो हम बताते हैं कि ये लेजेंड से एसोसिएटेड, और वो उससे भी होता है इंटरनेट पे, तो जिसको इंटरेस्ट होता है वो पढ़ लेता है, जिसको नहीं होता है उसको नहीं पता चलता। बट इट्स सो वंडरफुल कि हम इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट एरिया से हम ऐसी चीजें पिक करके ला रहे हैं जो एक्चुअली कल्चर में एग्जिस्ट करती हैं. सो इट्स नॉट अ 100% फिक्शनलाइज, इट्स एक्चुअली अ रेफरेंस फ्रॉम समथिंग दैट वाज रियलिस्टिक. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और फिक्शन इट्स हमेशा अमेजिंग. क्या होता है कि फिक्शन तो जो उसके ऊपर से आप स्टोरी बनाते हैं वो फिक्शन है ना। कि एक ऐसा जी बच्चा था जिसको 70 साल से बांधा हुआ था, अभी वो छोड़ के आजाद हुआ है, तो वो क्या करेगा, दैट इज अ फिक्शनल पार्ट। ओके, बट जो रिचुअल है राइट वो तो हमारे कल्चर में से ही आता है। में है ये. बट इट्स अमेजिंग कि ये एक लार्जर ऑडियंस तक ये कॉन्सेप्ट्स जा रहे हैं, क्योंकि अब तक तो हमें पता भी नहीं थे. तो अब विद हाँ, एक्सपेरिमेंट्स एंड विद द न्यू जॉनरा एंड विद यू नो हाउ एक लाइटर नोट पे हमने इन चीजों को एक्सप्लेन करना और डिस्क्राइब करना शुरू किया है, विच इज अमेजिंग, नहीं पर क्योंकि आई से ऑडियंस हमारी ने इतना कहानियां ही रिलेट यही है ना। हमारे यहाँ जैसे वेस्ट में वो कल्चर नहीं है ज्यादा। ओके, इसलिए दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन कॉमिक्स। ओके, एंड द राइट कॉमिक बुक लेजेंड्स दैट देयर राइटर्स हैव क्रिएटेड, सुपरमैन, आयरन मैन, ये सारे डीसी मार्वल के जो सुपर हीरोज है, ठीक है। अपने जी यहाँ वो कल्चर नहीं रहा है कॉमिक बुक्स का, मतलब था पर वो उनमें से ज्यादा फिल्में भी नहीं बनी। और अपना जो कल्चर है वो ये कहानियों का है, महाभारत की कहानियां, रामायण की कहानियां, फोक लेजेंड्स। तो हमारा कल्चर ये है, ठीक है। तो ये कहानियां पढ़ के हम बड़े हुए, और ये कहानियां हमारी नो लाइव्स में कहीं ना कहीं पे इंटरवोवन है, क्योंकि डिफरेंट रिलीजन्स की है, कोई बियॉन्ड रिलीजन है, कोई फोक लेजेंड्स है, तो हमारा कल्चर ही है। सो रियलाइज नाउ कि क्योंकि कैरेक्टर्स हैं उन स्टोरीज में एंड एक ह्यूमन बिहेवियर का जो एस्पेक्ट है वो ही रिलेटेबिलिटी क्रिएट करता है, एंड विच इज वाई आई थिंक दी स्टोरीज आर वर्किंग. क्योंकि इवेंचुअली इवेंचुअली हमें एक ह्यूमन टच चाहिए उस स्टोरी में, टू रिलेट टू इट, टू एंजॉय इट एंड टू अंडरस्टैंड इट, टू एम्पेथाइज विद इट. हमारी एक बार बात हुई थी एंड यू टोल्ड मी दैट यू वुड नॉट लाइक टू टॉक अबाउट योर जर्नी टू मच बिकॉज यू गिव अ लॉट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग लेक्चर्स एंड इन द मीडिया हाँ, मैं ऑल्सो, तो इन चीजों पे ऑलरेडी बोर बहुत होता हूँ वो सब बोल बोल के। हाँ, जी. बट इफ यू हैव टू समराइज इन ब्रीफ कि हाउ यू स्टार्टेड योर स्क्रीन प्ले जर्नी और हाउ यू स्टार्टेड. आई वॉज एक्चुअली ऑलवेज अ प्ले राइट। ओके, मैंने बहुत सारे प्लेज लिखे कॉलेज टाइम में, उसके बाद भी बहुत सारे मैंने प्लेज लिखे। मेरे प्लेज म्यूजिकल थे तो मैं गाने भी बहुत लिखता था, बट आई वॉज वेरी गुड एट स्टडीज, सो
मैंने एमई किया है, मास्टर्स इन इंजीनियरिंग। उसके बाद मैं लेक्चरर ओके था बड़ौदा में, एमएस यूनिवर्सिटी में। फिर वहां से मैं एमबीए करने गया, तो एमबीए मैंने फाइनेंस और इंश्योरेंस में किया है। उसके बाद मैं बिजनेस कंसल्टेंट था, तो मैं डबल मास्टर्स डिग्री वाला प्रोबेबली इंडस्ट्री का एकमात्र राइटर हूँ, ठीक है, जी जिसने एमबीए और मास्टर्स इन इंजीनियरिंग दोनों किया हुआ है। तो जी मैं बिजनेस कंसल्टेंट था, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था, मैंने 4-5 साल तक उधर काम किया था बिजनेस कंसल्टेंट। बड़ी अच्छी पोजीशन पे था मैं, और मेरी राइट 15-20 लोगों की टीम थी, बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ मैंने काम किया है। पर बिकॉज आई वॉज ऑलवेज अ राइटर, आई वॉज कॉन्स्टेंटली राइटिंग अलोंग साइड माई कॉर्पोरेट करियर ऑल्सो, एंड एट वन पॉइंट आई रियलाइज के ये क्यूबिकल्स वाली जो दुनिया है ये मेरे लिए नहीं है, मैं इसमें सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अंदर ओके से एक क्रिएटिव आदमी हूँ। मैं आज तक इसलिए डायरेक्टर भी बनने की मैंने कोशिश नहीं की, बिकॉज देर इज लॉट ऑफ मैन मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन इट, एंड बिकॉज आई कम फ्रॉम अ मैनेजमेंट बैकग्राउंड एंड आई यूज टू हैव अ टीम एंड ऑल्सो, मैंने वो छोड़ा ही इसलिए बिकॉज मुझे वो सब मैन मैनेजमेंट ये वो सब करना नहीं है, लॉजिस्टिक्स करना नहीं है। आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन लाइक 100% क्रिएटिव एंडेवर्स। सो आई राइट सॉन्ग्स, आई राइट स्टोरीज, आई राइट स्क्रीन प्लेज। तो मैं हर फॉर्मेट में मैंने काम किया है, मैंने प्लेज लिखे, मैंने टीवी में जी तारक मेहता 10 साल तक लिखा है, तो मैंने टीवी सीरियल लिखे, मैंने ओटीटी में इतने सारे शोज लिखे, मैंने इनसाइडेड लिखा है, असुर लिखा है, रे लिखा है, अभी भी लिख रहा हूँ एक दो शोज। फिल्म्स मैंने हिंदी फिल्म्स इतनी सारी की है, मैंने गुजराती फिल्म्स में कम से कम 35 से 40 फिल्मों के म्यूजिक एल्बम्स लिखे हैं एज अ वाह लिरिसिस्ट। ओके, तो गाने मैंने इतने लिखे, मैंने गुजराती फिल्में लिखी है जो विच आर सम ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स इन गुजराती, ओके, एंड ट्रेंड सेटर्स, और मैंने हिंदी फिल्में भी लिखी। तो मैंने हर फॉर्मेट में काम किया है, और मैं मुझे यही करने में मजा आता है, इसलिए मैं आई स्टिक टू माई गन्स एंड आई ट्राई टू बी ओनली अ क्रिएटिव। सर, हाउ लॉन्ग हैज इट बिन? आपको कितने साल हो गए इस इंडस्ट्री में? मतलब कब आपने वो ट्रांजिशन लिया था, जब आपने कॉर्पोरेट छोड़ा और ये? हाँ, एक्चुअली मैंने लिखना तो 2007-8 से चालू कर दिया था, पर वो फिल्म कोई बनी जी नहीं थी मेरी तब तक। पर मैंने अच्छा 2000 आई थिंक 11 में आई लेफ्ट माई जॉब, एंड देन आई बिकेम 100% फुल टाइम कोपरेटिव राइटर। राइटिंग, हाँ राइट हाँ सर, एनी फेवरेट प्रोजेक्ट्स, एनीथिंग? एंड ऑल्सो प्लीज लेट मी नो द सॉन्ग बॉलीवुड में आपके जो सॉन्ग्स आए नहीं, हो. बॉलीवुड में कम है, मेरे गुजराती में ज्यादा है। अच्छा, तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके लिए बहुत स्पेशल रहा हो, बी इट अ फिल्म और अ शो और सॉन्ग? नहीं, मेरे लिए तो यार मेरी सारी कहानियां, मेरे सारी फिल्में स्पेशली है। ओके, वही, वो भी जो फ्लॉप होते हैं, वो भी जो हिट होते हैं, वो भी जो नो 100 करोड़ ब्लॉकबस्टर, वो सब होता है, वो भी जो ज्यादा बिजनेस नहीं करते। सो इट्स लेकिन ऑल कोई तो लाइक प्रोजेक्ट होता ही है, कोई तो प्रोजेक्ट होता है जो नहीं, आपके लिए बिकॉज बहुत सी स्पेशल होता बिकॉज है. ईच प्रोजेक्ट टीचेस यू अ लॉट। ओके, एंड द मेजर ऑफ सक्सेस इज नॉट द अमाउंट ऑफ मनी द प्रोजेक्ट मेक्स और पीपल मेक और आई मेक आउट ऑफ इट, द मेजर ऑफ सक्सेस की सफलता का आपका मापदंड क्या है। ओके, तो सफलता उसी से मेजर होती है कि आपको उसमें पर्सनल एनरिचमेंट कितना हुआ, ठीक है। तो हर प्रोजेक्ट से जिसमें मुझे वो पर्सनल एनरिचमेंट मिलता है, ठीक है, कि जैसे भेड़िया मैंने लिखा, तो मैं कभी नॉर्थ ईस्ट में नहीं गया था, तो हमने जी महीनों तक हम लोग नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में घूमे, वहाँ के लोगों से मिले, वहाँ के कल्चर्स को देखा। ओके, जी अरुणाचल प्रदेश ऐसी जगह है जहाँ पे बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया वाले जाते नहीं है, बिकॉज इट्स टू फार। ओके, तो एक एक पूरा एक नया कल्चर आपको सीखने को मिलता है, एक नए लोगों से मिलना होता है, नई कस्टम्स आप देखते हैं, नई कहानियां आपको पता चलती है, तो वो बहुत राइट एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो वैसे ही एक्सपीरियंस जब हम स्त्री टू कर रहे थे तो चंदेरी जाके हुआ है, फिर वैसा ही एक्सपीरियंस जब मैंने एक पंजाब 95 करके फिल्म लिखी है पंजाब के ऊपर, वो भी सेंसर में, अभी उसको क्लियरेंस नहीं मिला है,
तो वो मुझे ओके पंजाब का पूरा हिस्ट्री और उन सब चीजों का मुझे इंट्रोडक्शन उधर से मिला है। ठीक है, तो हर प्रोजेक्ट आपको बहुत कुछ सिखाता है इन एस्पेक्ट्स में। असुर जब हमने किया, बहुत सारी माइथोलॉजी पढ़ी, वो सब सीखने को मिला। वो कहानियां जब मूंजा कर रहे थे, आदित्य नो टुक मी ऑन द टूर ऑफ कोंकण, तो कोंकण के सारे बीचेस, उन जगहों का खाना, उन जगहों के लोग, उन सबको आप मिलते हैं, वो जगह देखते हैं। मतलब एज अ टूरिस्ट आप जाते हैं तो एक नो मोटा मोटी एक बड़ी बड़ी जगह देख के निकल जाते हैं, बट व्हेन यू गो डीप इनटू दिस प्लेसेस एंड नो यू मीट दोस पीपल, इट्स ऑलवेज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस। तो आपको लोकल भी से बहुत कुछ मिलना सीखने को मिलता है। हाँ, जी तो दिस प्लेसेस एंड नो यू मीट दोस पीपल, इट्स ऑलवेज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस। तो आपको लोकल भी से बहुत कुछ मिलना सीखने को मिलता है। हाँ, जी तो मतलब वही के फेवरेट स्टोरी कौन सी है, प्रोजेक्ट कौन सी है जो जिसमें ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं, उसमें ज्यादा मजा है, क्योंकि आई थिंक हर ओके प्रोजेक्ट में मिल ही जाता है। ओके सर, आपकी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग रही है बिकॉज यू डिड सो मच द एजुकेशन एंड देन यू वर अ पब्लिक स्पीकर, देन यू वर इन कॉर्पोरेट्स एंड देन यू स्विच टू राइटिंग. यू स्टिल गो फॉर पब्लिक स्पीकिंग सेशंस फ्रॉम व्हाट आई नो. हाँ, जहाँ बुलाते हैं वहां मैं चाहता हूँ, क्योंकि राइटर्स को हमेशा वो होता है ना, बिकॉज वी आर नॉट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, सो वी ऑल्सो नो ऑलवेज फील द अर्ज टू यू नो से दिस थिंग्स, यू नो टू पुट दिस थिंग्स एक्सप्रेस अक्रॉस, सो दैट पीपल दोज हु आर अवेयर ऑफकोर्स विल फाइंड इट आउट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, के कहीं ना कहीं से उनको पता चल ही जाता है, पर जिनको नहीं पता और इंटरेस्ट है वो देख के उनको भी पता चलता है कि ये फिल्मों के पीछे क्या मेहनत होती है, या कहानियां कैसे गढ़ी जाती है, या कैसे ये चीजें क्रिएट की जाती है। तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो होता है यूजुअली जब हम राइटर्स से बात करते हैं तो हम ये जरूर पूछते हैं कि हाउ डू यू हैंडल राइटर्स ब्लॉक या क्रिएटिव स्लम्स जो होते हैं, उसको आप लोग कैसे हैंडल करते हो. एंड व्हेन आई वाज टॉकिंग टू अभिजीत खुमन सर, आई हैड एन इंटरव्यू विद हिम आल्सो एंड ही हाँ वाज वी वर डिस्कसिंग समथिंग रिलेटेड टू द पर्सन हु इज न्यू इन द इंडस्ट्री. जब आप नए होते हो तो आपको ज्यादा चैलेंजेस होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, यू सफर अ लॉट बिकॉज ऑफ समटाइम्स, क्योंकि आपको आपके आसपास सराउंडिंग्स जब बदल रहे होते हैं कभी कभी आपको वो मौका नहीं मिलता कि आप ठीक से ऑब्जर्व कर पाओ. उन्होंने ये भी बताया कि बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जो अपनी लिमिटेशन आज भी बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि फिर ना ऑब्जर्वेशन के लिए आपके पास रह नहीं जाता. अगर आप उतना ही पॉपुलर हो जाओगे जितना एक्टर्स हैं तो आपके पास में वो स्पेस नहीं बचता. तो जब राइटर्स ब्लॉक में आप लोग क्या क्या चीजें काउंट करते हो और हाउ डू यू हैंडल इट बेसिकली, क्योंकि देर आर सो देखो, मेनी राइटर्स एस्पायरिंग ब्लॉक राइटर्स ना, आई विल टेल यू, राइटर्स ब्लॉक इज अ मिथ, ओके, स्प्रेड बाय राइटर्स टू गेट सम मोर टाइम। ओके, एक्चुअली अगर लिखने में आपको 2 महीना लगता है और आपको 1 महीने का ही टाइम मिला, तो आप वो ऐसा मिथ क्रिएट करते हैं। ये क्रिएटिव प्रोसेस है। और बहुत, आपने कभी कोई क्लर्क को देखा है जिसको यू नो क्लर्किंग का ब्लॉक होता है? ठीक है, आपने कभी कोई डॉक्टर देखा है जिसको ऑपरेशन करने का ब्लॉक आता है? किसी को नहीं आता। हर प्रोफेशनल को अपने काम में कोई ब्लॉक नहीं आता। ओके, पर एंड सर वंस इट इज राइटिंग इज अ योर ब्रेड एंड बटर, थॉटफुल आई प्रोसेस. मीन यू कांट, नो, बिकॉज इट्स लाइक अ जॉब। ओके, देयर इज अ वेरी फेमस कोट बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे दैट आई ओनली राइट व्हेन आई एम इंस्पायर्ड, बट आई एम इंस्पायर्ड 9 o'clock इन द मॉर्निंग एवरी डे। तो ओके यू नीड टू ट्रीट इट लाइक अ जॉब, इट्स लाइक अ डेली वेज ओनर, जो जो मजदूर होता है, जो बिकॉज आई एम अ सिविल इंजीनियर आई कैन टेल यू, जो जाके रोज एक मार्केट में खड़ा रहता है, उसको कोई ले जाता है और डेली वेजर का जॉब मिलता है उसको, कि पर डे तुम्हारा जी 500 रुपये है कि 1,000 रुपये है, और उसमें तुम्हें इतना लेबर वर्क करना है। ठीक है, तो ये राइटिंग का काम भी वैसे ही है, यू नीड टू ट्रीट इट लाइक दैट। ओके, यू नीड टू वेक अप एवरी मॉर्निंग, यू नीड टू हैव अ स्केड्यूल, यू नीड टू सिट एंड वर्क हार्ड। उसमें से निकले ना निकले वो अलग बात है, बट इफ यू सिट
and you show up every day, of course it something will come up. Okay, so it is like But, that. And if you don't see, मैं आपको बहुत फ्रेंकली बोलता हूँ कि राइटिंग का सबसे बड़ा मिसनोमर मतलब दुनिया में ये है ना कि ये ठीक है, ये एक प्रोफेशनल काम है और उसके लिए प्रोफेशनल लोग होते हैं जो सालों से करते हैं, ठीक है। उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसका एक ग्रामर होता है, उसका साइंस होता है, ठीक है। वो सब चीजें आपको सीखनी पड़ती है, वो आपको बैक ऑफ द माइंड रखनी पड़ती है। एट द सेम टाइम यू नीड टू क्रिएट, यू नीड टू डेल डीप, यू नीड टू डू रिसर्च इन ऑल दोज थिंग्स, यू नीड टू रीड बुक्स, यू नीड टू रीड लिटरेचर रिलेटेड विथ योर स्टोरीज, एंड एंड जो भी आपको उसमें नॉलेज या रेफरेंस मिल सकते वो आपको इनकलकेट करने पड़ते हैं, तभी आप लिख सकते। तो वो जितना बाहर से आपको लगता है इतना इजी है नहीं, ओके। इजी तो नहीं है, इसलिए ना, हाँ इसलिए हमेशा वो मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि राइटर्स ब्लॉक जैसी कोई चीज होती नहीं। तो वो जो लोग सोच सकते हैं, जो इनोवेट कर सकते हैं, वही वैल्यू एड कर सकते, ठीक है। वही लोग स्टीव जॉब्स बन सकते हैं या वही वही लोग है एलन मस्क बन सकते, ओके। बाकी के लोग उनके यहाँ नौकरियां कर सकते हैं, हाँ। सब बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि क्रिएटिविटी इज आल्सो टाइम बाउंड एंड इट आल्सो रिक्वायर्स डिसिप्लिन। इट इज रिक्वायर्ड इट कैन नॉट बी एंड क्रिएटिविटी विल ऑलवेज इट विल ऑलवेज ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट। योर माइंड विल ऑलवेज ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है, आप उस चीज को डिले करने की कोशिश करते और फिर आप उसको नाम दे देते कि राइटर्स ब्लॉक, ओके। जबकि मेन चीज क्या है कि आप उससे चिकन आउट कर रहे हैं, भाग रहे हैं वो चीज से। यार वो हार्डवर्क है, कौन करेगा इतनी मेहनत, ठीक है। जैसे लोगों का वर्कआउट करने में होता है, क्यों लोग रोज उठ के जिम में नहीं जाते। सबको पता है कि जिम में जाके सेहत आपकी अच्छी करना अच्छी बात है, ठीक है। क्यों नहीं जाते लोग, क्योंकि टफ है ना, मेहनत करनी पड़ती है रोज जाके, ओके। तो ये माइंड का उससे भी टफ है, ओके। माइंड आपका एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट बिकॉज बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एंड ऑल, और अटेंशन स्पान्स आर वेरी स्मॉल, ओके। अपना अटेंशन स्पान अभी हो गया रील का 30 seconds, ओके। 30 seconds, वो 30 second के अटेंशन स्पान में आपको अगर 4 घंटा बैठ के एक स्क्रिप्ट लिखनी है रोज, ठीक है, तो वो कितना टफ काम है, ठीक है। तो इसीलिए वो आपका माइंड चिकन आउट करता है, उससे भागने की कोशिश करता है, इंटरनेट पे रेंडम सर्चेस करता है, हर चीज करने की कोशिश करता है जिससे उसको आराम मिले, ठीक है, जिसके उसको से ज्यादा सोचना ना पड़े, ठीक है। इसलिए लोग इन चीजों को फिर राइटर्स ब्लॉक बोल देते, ओके। बट एक्चुअली इफ यू आर कमिटेड टू इट, आपको नहीं आता है राइटर्स ब्लॉक, राइट सर। व्हेन वी टॉक अबाउट राइटिंग, व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन कि हाँ मुझे हॉरर जॉनरास लिखने हैं, या मतलब एनी पर्टिकुलर जॉनरा दैट यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ कि ये मुझे लिखना है? हर जॉनरा में लिखना है। मैंने तो कॉमेडीज इतनी लिखी है, मतलब स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी लिखी है, तारक मेहता लिखा है मैंने, असुर लिखा है विच इज अ थ्रिलर, मैंने इनसाइडर लिखा है विच इज अ स्पोर्ट्स बेस्ड ड्रामा शो, मैंने सत्यजीत रे की कहानियों का अडेप्टेशन किया है हंगामा के ऊपर स्पॉटलाइट है, मैंने पंजाब की इंसर्जेंसी के ऊपर फिल्म लिखी है विच इज अ हार्डकोर पॉलिटिकल फिल्म, ओके, विच इज स्टक इन सेंसर्स, मैंने हॉरर कॉमेडीज लिखी है, मैंने बाला लिखी है विच इज अ वेरी सोशल सोशल कॉमेडी। शायद मैंने क्वेश्चन ठीक से फ्रेम नहीं किया, बट मतलब हाउ डू यू फील इंस्पायर्ड टुवर्ड्स दिस वर्सेटिलिटी, और कोई ऐसी चीज जो आपको करना, मतलब दिस इज लाइक डिटेल में बात करी है, आई थिंक people will understand the basic concepts and the, you know, the myths that were there for writing. आज हमने open use पे बात की है तो लोगों को काफी clear out चीजें, एक concept उनको clear होने वाला है कि हाँ ये हमें भी करना चाहिए, discipline भी requirement है, और आपके लिए anything that is the basic process, हम उसमें से वो steps eliminate नहीं कर सकते, वो हमें follow करना ही पड़ेगा। Okay. Sir, any new project that is coming up that you'd like to share about? 3-2 तो सबको पता है। 3-2 15 अगस्त, please go and watch. उसके अलावा वो तो सबको पता चली गया है। NDA की वजह से हम बता नहीं पाएंगे, but obviously there are a lot of things. But there are some exciting projects coming up for sure. Of course, of course. Sir, there are
वेरी मेनी बजेस दैट गोज इन द इंडस्ट्री एंड आउटसाइड द इंडस्ट्री की बॉलीवुड में फेवरिज्म है, नेपोटिज्म है. आई बिलीव इट्स अ जनरल टर्म, हर इंडस्ट्री में ये होता है. बट आई वुड स्टिल लाइक टू आस्क यू कि बॉलीवुड में सर्वाइविंग एज अ राइटर, क्योंकि काफी सारी चीजें आपके लिए चैलेंजेस बन सकती हैं, टू गेट योर ओन स्पेस, योर सराउंडिंग्स, क्योंकि आपको एक ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है, टू गेट एक्सेस टू पीपल, टू अप्रोच पीपल कि कहाँ से आपको काम मिलेगा. बिकॉज जब आपके पास में है कॉन्सेप्ट, जब आपके पास में रिटन भी है, आप क्रिएटिव भी हो, यू आर डिसिप्लिन्ड ऑल्सो, सब कुछ है, बट इफ यू डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी इवन वेन यू आर प्रिपेयर्ड, हाउ डू यू डील विद दैट, और हाउ शुड समबडी डील विद दैट? देखो, इन्फ्लुएंसर्स भी आधे एक्टर्स हो गए, कैसे हो गए? दे शोड देयर स्किल्स नो समवेयर. ओके, तो अगर आपके पास स्किल है, आप लिख सकते हैं, और आप सिर्फ ऑफिस होके धक्के खा रहे हैं, तो आप मतलब आपके दिमाग में प्रॉब्लम है. आपको पता है, आपके सामने पूरा फ्लैटर लगा हुआ है, हर जगह पे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है आपका टैलेंट दिखाने के लिए. यूट्यूब पे अपलोड कर लीजिए, मोबाइल पे कहानी शूट करके, ठीक है, आपसे रिसाइटेशन कहानी करके अपलोड कर दीजिए, ठीक है. अगर वो अच्छी होगी तो ऑब्वियसली देयर आर टेकर्स. अगर कोई मुंबई आया है और वो पर्सन नया है, और अगर उसको फेवरिज्म फेस करना पड़ रहा है या नेपोटिज्म फेस करना पड़ रहा है, क्या नेपोटिज्म कहाँ है इसमें? मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, एक यूट्यूब चैनल बनाना फ्री है, आपके पास मोबाइल ऑलरेडी है, ठीक है, आप अपना स्केच बना के यूट्यूब पे अपलोड कीजिए. अगर आपको 10 मिलियन लाइक्स आते, आपको कल जाके हर प्रोडक्शन हाउस से फोन आ जाएगा कि आप आ जाइए हमारे फिल्म में काम कीजिए. राइट. आप अपना जो टैलेंट है, सी फिल्म एक विधा नहीं है. मैं वही समझाने की लोगों को कोशिश करता हूँ कि द टफेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड इज टू सेल अ स्टोरी. बट एनी दिस थिंग यू कांट एक्सपेक्ट पीपल टू पुट इन सो मच मनी, इट्स अ कॉस्ट इंड्यूसिव बिजनेस. ओके, फिल्म मेकिंग इज अ वेरी कॉस्ट इंड्यूसिव बिजनेस, ठीक है. ये ऐसा नहीं है कि आपने कहानी सुना दी और किसी ने बना दी. ओके, इसके लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं, तो इसलिए आपको किसी दूसरे मीडियम में पहले अपने आप को प्रूव करना पड़ता है. करना पड़ेगा. ओके, आप कहीं पे आपको अपने आप को थिएटर में प्रूव कीजिए, आप लिटरेचर में प्रूव कीजिए, कहीं पे प्रूव कीजिए आप, ठीक है, एंड देन यू विल गेट. और अगर आपको सिर्फ स्क्रीन राइटिंग ही आती, स्क्रीन राइटिंग में पीजिए, एनएफडीसी के लैब में जाके. कल मैंने क्रिस्टो की फिल्म देखी है, मलयालम फिल्म है, पार्वती और उर्वशी जी है उसमें. ओके, वो उसने एनएफडीसी के स्क्रिप्ट लैब में स्क्रिप्ट लिखी है. It got picked up and he got the monies to make it. Okay, it's a big hit in Malayalam. It's a brilliant film. So, मतलब जो actually talented लोग हैं, उसको उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती. तो ये सिर्फ losers के excuses है कि nepotism है और हमको कोई सुन नहीं रहा है. तो मतलब जो actually talented होते हैं, उनको नहीं वो चीजें आड़े आती है. Yes, maybe. Because, क्योंकि इतना ज्यादा मीडिया में और हर जगह इस चीज का बज हो चुका है, विच इज वाई आई आस्क्ड यू एक्चुअली. बिकॉज यू एंड इवन व्हेन आई वाज स्पीकिंग विद अभिजीत खुमन सर, ही ऑल्सो सेड दैट आई नेवर हैड टू फेस इट ऑन दैट डेप्थ, बिकॉज आई स्टार्टेड वर्किंग एंड लोगों के साथ काम किया है, इवन एक्टर्स, दे आर सेल्फ मेड एक्टर्स, लॉट ऑफ देम. जी, तो ठीक है, मतलब एक्चुअली इंसान को प्रोसेस फॉलो करना चाहिए टू फाइंड डिफरेंट प्लेसेस एंड प्लेटफॉर्म्स एंड दे विल सक्सेस इवेंचुअली. यस सर, आपसे बात करके मुझे ऐसा लगा दैट यू आर अ वेरी कंटेंट पर्सन हु हैज एक्सेप्टेड रियलिटी एज इट इज. सो व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट टू पीपल, और इज दैट ऑल दैट यू वुड वांट टू से? आई हैव नेवर एक्सेप्टेड रियलिटी एज इट इज. आई ऑलवेज एक्सप्लोर, यू नो, reality which is beyond reality. But your words seems like you're very content with what is happening in the world and you've accepted it. And so what would you like to suggest to people who are facing these challenges or who are becoming writers? Initial stage is difficult for any person who is pursuing by accepting, what do you mean? I have accepted that, you know, the nepotism is there and you know, it's tough and all. It's not that. What I'm telling you to do is, I'm telling you to improve yourself. Okay, right. Because only way to fight, because see,
स्क्रीन राइटिंग में आई एम टेलिंग यू इवन इन द होल फिल्म इंडस्ट्री. ओके टेक दिस थिंग, इट्स अ वेरी सिंपल एंड वेरी यू नो ब्रूटल, एक कड़वा सच इंडस्ट्री का ये है कि आपकी जरूरत किसी को नहीं. ओके आपकी जरूरत किसी को नहीं. Nobody is inviting you. Okay, you are not wanted. Okay, and everyone will try to shoo you out. कि तुम जाओ भाई, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, माफ करो. Okay, it's up to you to make a path for yourself, make a place for yourself, and make people respect you and make people respect your work. Okay, और उसके लिए जो भी करना पड़ता है वो आपको करना पड़ता है. That is as brutal as it gets. ठीक है. True. तो मेरा कुछ हो नहीं रहा है सर, मेरे पास कहा नहीं है ये वो, मेरे को भी जरूरत नहीं है भाई. तुम्हारा कुछ हो नहीं रहा है तो जाके कुछ दूसरा नौकरी करो यार, किराने की दुकान में काम करो, बैंक की लोन का मार्केटिंग करो. मैं क्या कर सकता. नोबडी इज इनवाइटेड यू हियर, राइट. तुम अपना काम करो यार, अपना दिखाओ कि तुम्हारे में क्या टैलेंट. दैट इज योर वर्क, राइट. दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू, टेल टू पीपल. And it's a very brutal fact, and people don't realize it. People think that someone will come and sprinkle fairy dust on them and they will become successful. Not like that. That's not happening. True. Sir, it was great talking to you because I got to know some insights, and it was a very intellectual interview, I could say. And I'm really happy that I could talk to you. Intellectual to maine chalu bhi nahi kiya tha abhi to. तो फिर ये तो अच्छा हुआ ना, क्योंकि नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए मेरे को टाइम मिलेगा. फिर वी कैन डू दैट लेटर. तो इंटेलेक्चुअल के लिए हम स्पेस और स्पेस है मतलब. बट फॉर मी आई हैड अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन एंड आई थिंक आवर ऑडियंसेस आर आल्सो गोइंग टू हैव फन, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑडियंसेस को नॉर्मली जानने को नहीं मिलती. बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारी क्लैरिटीज हैं जो आपकी कॉन्वर्सेशन से हमें जानने को मिली. And I hope with the next project, Enigmatic Horizon के साथ हम एक इंटरव्यू और करेंगे और बात करेंगे डिटेल में. So thank you very much and it was lovely talking. I hope 3-2 becomes a huge success. All the very best for that. चलो fingers crossed. जी सर, I'm going to watch it because even though I'm a very scared person, I don't go directly and watch horror films, but I still would because 3-1 also I went and watched it on my own all alone. So I think 3-2 के लिए भी जाना तो पड़ेगा मुझे. नहीं, इतनी कोई हॉरर फिल्म नहीं है, एंटरटेनिंग कॉमेडी फिल्म है. ठीक है सर, तो थैंक यू सो मच फॉर एंड इट्स लवली टू सी यू. बाय सर.